सुने से मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त तो मैंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगी। एक आम आदमी तो तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को अगर सरकार दूसरी जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा, तो संविधान बचाएगा। आज और संविधान का ऋणी, आज उस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे देना नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे, जेल के सामने टूटेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के लिए जेल के सामने टूटेंगे, जेल के सामने टूटेंगे। संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के लिए बच्चे के लिए शिक्षा प्रदान करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बन रहे हैं। और बाकी बात में हम बात भी करेंगे। बहुत भावुक मौका है सबके लिए, लेकिन एक नारे के साथ यहाँ से आवाज दे दीजिए, अरविंद जी तक भी पहुंचे और थाना शहर तक भी पहुंचे कि कह कह के जेल में भले ही डाल लोगे, लेकिन एक सच जो पिछले 10-12 साल से कायम रहा है वो कायम रहेगा कि भ्रष्टाचार का अधिकार।